हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्डन सिटी जैसलमेर के बारे में, जो बसा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में और पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। भारत पाकिस्तान लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो भारत के साथ कुल सीमा 3310 किलोमीटर है, जिसमें से 464 किलोमीटर अकेला जैसलमेर लॉक करता है। अगर आप कभी राजस्थान में घूमने का मन बनाते हो तो नंबर वन पर आपका जैसलमेर रहना चाहिए, क्योंकि जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजे काट का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, तब देखो जैसाण। तो दोस्तों, जैसलमेर ने हमें दिया है परमाणु परीक्षण, जिससे भारत को विश्व में परमाणु शक्ति के रूप में नई पहचान मिली थी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप शांति से गले में बैठकर देखिए, जहां पर आपका कोई ध्यान ना भटकाए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जैसलमेर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, जो आपको ट्रेवल गाइड और अगर आप स्टडी करते हो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जैसलमेर से जुड़े कई सवाल कवर करेंगे इस वीडियो में। तो कर दो भाई लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो को एंजॉय करो। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर के क्षेत्रफल के बारे में। यह 38,401 किलोमीटर में फैला है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। यहाँ पर वाहन कोड की बात करें तो वो है RJ15 व साक्षरता दर 57.2% है। जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, साथ ही घनत्व भी सबसे कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में औसतन 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। जैसलमेर गर्मियों में तेज गर्मी और ठंड में कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का सिंचाई व कृषि तंत्र क्या है, इसके बारे में आइए नजर डालते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम सोर भी यहाँ मोहनगढ़ उप तहसील में है। इस नहर से जैसलमेर में बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। नहरी क्षेत्र में नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ आदि कृषि क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अधिकांश किसान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू व बाड़मेर के हैं। कुछ स्थानीय किसान भी खेतीबाड़ी करते हैं। यहाँ की खेती में गवार, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली, सरसों, बाजरा, चना, जीरा, इसबगोल प्रमुखता बोया जाता है। हालांकि नहर के अलावा स्थानों पर ट्यूबवेल से भी खेती की जाती है, लेकिन कम मात्रा में। इसके दो कारण हैं, एक तो यहाँ की भूमि में प्रचुर मात्रा में पानी नहीं है, दूसरा अधिकांश जगह लवणीय पानी है, साथ ही में बारिश के औसत से भी कम होती है यहाँ पर। अगर समय पर अच्छी बारिश होती है तो बारानी खेती भी की जाती है। यहाँ पर बरसाती पानी को संजो कर खेत में रखा जाता है। पानी को सोखने पर वहाँ की खेती, उसे स्थानीय भाषा में खड़ी कहा जाता है। दोस्तों, एक नजर डालते हैं जैसलमेर के इतिहास के बारे में। जैसलमेर की स्थापना 840 वर्ष पूर्व भाटी राजपूत रावल जैसल ने सन 1156 में की थी। जैसलमेर पूर्व में वल्ल मंडल के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी लोदरवा थी तथा वहां के पवार राजा राज्य करते थे। तब इस नगर का नाम भावनगर था। सदियों से अपनी परंपरा, कला और संस्कृति को सजोता आ रहा जैसलमेर आज देश विदेशी पर्यटकों को आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। हर वर्ष लाखों पर्यटन यहाँ पर स्थापित शैली, पीले पत्थरों पर उकेरी गई बारी की शिल्प तथा हस्तशिल्प कला को देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। यह शहर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। वर्तमान जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में मांडधरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर यादवों का मथुरा से काफी संख्या में ब्रह्मज्ञान हुआ। भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, दूसरी लोदरवा तथा तीसरी जैसलमेर रही। अब बात करते हैं पोखरण के बारे में, पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में। 11 मई 1998 को जब पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग में रेंज परमाणु परीक्षण हुआ, तो उस समय DRDO के तत्कालीन निदेशक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। भारत की जनता देश के पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जानती है। परीक्षण के पहले डॉक्टर कलाम ने सेना के जवानों के साथ पोखरण व फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया था। उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति को भविष्य में घटित होने वाले इस ऐतिहासिक पल की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी विवेकशीलता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत के इस कदम से दुनिया चौंक गई थी। पोखरण की धरा से गूंजी थर्राहट को बड़ी बड़ी महाशक्तियों से महसूस किया गया। जैसे ही डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में राजस्थान की इस वीर प्रसुत्ता धरती पर परमाणु परीक्षण किया गया, उस चंद घंटों के बाद राष्ट्रपति को सेना के अधिकारियों से मीडिया से रूबरू हुए थे। उस दौरान डॉक्टर कलाम ने परमाणु परीक्षण के साथ साथ पोखरण व खेतलाई गांव में
एक नहीं कई बार आने का भी जिक्र किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि इंसान की पहचान साधारण रूप में अधिक होती है, न कि पद प्रतिष्ठा से। परीक्षण के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने परमाणु परीक्षण के देश के लिए गौरवान्वित बताकर लोगों का आभार व्यक्त किया था। अभी बात करते हैं जैसलमेर के पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोनार का किला, जो जैसलमेर का किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राजपूत शासक जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। ये दुनिया का सबसे बड़े किलों में शुमार है। सुनहरे और पीले रंग के मिश्रित बलुआ पत्थर के किले को जादुई रूप प्रदान करता है। राजस्थानी वास्तुकला के जादू को प्रदर्शित करने वाला किला लंबा और गौरवान्वित। फिर आता है बड़ा बाग, विशाल बगीचा। महाराणा जयत सिंह के काल में इसका निर्माण किया गया था। वैसे तो जैसलमेर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन कुछ जगह इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली मुख्य शहर में स्थित है। इसे घुमान चंद के नाम से एक प्रसिद्ध व्यापारी और उनके पुत्रों ने बनाया था। इस विशाल 5 मंजिला निर्माण में 5 जटिल रूप से सजाए गए विशाल सुइट है। बड़े गलियारे और सजी हुई दीवारों पर इस कला का रूप उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रचलित थी। पूरा निर्माण पीले बलुआ पत्थर से बना है। स्मारक की भव्यता और वास्तुकला शहर की सांस्कृतिक विरासत में अत्यधिक मूल्य को जोड़ती है। फिर दोस्तों आता है सैम सैंड ड्यून्स। यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। रेगिस्तान का अनुभव करने के लिए आपको डेजर्ट सफारी करने की आवश्यकता है। सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी के लिए आदर्श स्थान है। को ऊंट की पीठ पर सफारी पसंद आएगी, जो आपको जंगलों और कुंडों के साथ ले जाएगी, और आप रेगिस्तान पर सुरमय सूर्यास्त देख सकते हैं। जीप सफारी भी उपलब्ध है। डेजर्ट फेस्टिवल फरवरी और मार्च के महीनों में आयोजित किया जाता है, तो घूमने के लिए समय आपके लिए सबसे बेहतरीन माना जाएगा। यदि आप इस समय के आसपास आते हो तो यहाँ पर आपको आयोजित होने वाले लोक नृत्यों, ऊँटों की दौड़ और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का भी मौका मिलेगा। फिर हम बात करते हैं थार विरासत संग्रहालय की। शहर के मुख्य बाजार में स्थित है। इस संग्रहालय के संस्थापक लक्ष्मी नारायण खत्री थे। संग्रहालय आपको प्रसिद्ध थार रेगिस्तान का इतिहास, सांस्कृतिक कला और वास्तुकला प्रस्तुत करता है। फिर बात करते हैं हम गढ़ीसर झील के बारे में। शांति से बैठिए गढ़ीसर झील के किनारे। किले से 1 किलोमीटर दूर गढ़ीसर झील स्थित है। इसका निर्माण भूमि के पहले शासक रावल राजा जैसल द्वारा किया गया था। जैन मंदिर। जैसलमेर किले के अंदर स्थित जैन मंदिर तीर्थकारों को समर्पित मंदिर की एक श्रृंखला है, जो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण का पता लगाया जा सकता है। मंदिरों को उनकी विशेषता स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, जो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर के अनुरूप है। सालिम सिंह की हवेली। जैसलमेर की सभी हवेलियों में से एक सालिम सिंह की हवेली अपनी विशिष्ट और आकर्षक वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसे तत्कालीन मंत्री सालिम सिंह ने बनवाया था। जो किला जितना ऊंचा बनाना चाहते हैं, लेकिन राजा ने इसकी मनाही कर दी थी। इसकी वास्तुकला की अपनी विशिष्ट शैली और मोर के आकार की छत के साथ 38 बालकनी है। यह हवेली अतीत में एक अच्छी झलक प्रदान करती है, और यहाँ ली गई तस्वीरें विस्मयकारी होंगी। अब बात करते हैं कुलधारा के बारे में। दोस्तों, कुलधारा के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है, लेकिन वो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। कुलधारा कभी पालीवाल ब्राह्मणों के कब्जे में रहने वाला समृद्ध शहर था। एक रात के भीतर एक पूरे शहर को क्यों छोड़ दिया, इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोकप्रिय धारणा इसके लिए तत्कालीन राज्य मंत्री सालिम सिंह को जिम्मेदार ठहराती है। मंत्री ग्राम प्रधान की बेटी से शादी करना चाहते थे, और इसीलिए ग्राम प्रधान को उनकी मांगों को स्वीकार करने या पूरे समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। मंत्री की मांगों को मानने के बजाय पूरे गांव ने दूर जाने का फैसला लिया। जाने से पहले उन्होंने इस जगह को कभी वापस आने का नहीं ठाना। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद यहां पर कोई नहीं बस पाएगा। अतीत की एक झलक को पाने के लिए कुलधारा जाएं और इसकी कहानियों को रूबरू करें। जैसलमेर में सनसेट का मजा लेना है तो अपने रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा गाँव खुरी में सूर्योस्त के सुंदर दृश्य आता है, और इसके स्थान के कारण थार की परिस्थितियां तंत्र में एक अच्छा रूप प्रस्तुत करता है। यह सेम सैंड टिब्बा का एक किफायती विकल्प है, और कम भीड़ के बीच आराम करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए आदर्श होगा। ऊंट की सवारी, डेजर्ट कैंपिंग, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो यहां की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी जैसलमेर के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।